शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर क्षेत्र के पटेल नगर और परसोबीघा मोहल्ले में माफिया गैंग की सक्रियता से बढ़ गई है। माफिया गैंग के नाम से एक चिट्ठी मंदिर के आसपास के मोहल्ले में दी गई है। परसोबीघा और पटेल नगर मोहल्ले के लोगों को चिट्ठी के माध्यम से रंगदारी मांगी गई है। महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कई घरों की दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी गई है। दो तीन घरों के मुख्य दरवाजे के केवाड़ में आग लगाने का कोशिश किया गया है। वहीं मंदिर के दीवारों पर भी रंगदारी मांगने को लेकर स्केच पेन से लिखा गया है, गंदी गंदी बातें भी लिखी गई है। इससे मोहल्ले के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सुबह में मोहल्ले के लोगों ने जुटकर 112 पर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि माफिया गैंग के नाम से रेलवे के आने वाले पैसे को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का काम किया जा सकता है। बता दें कि परसोबीघा पटेल नगर मोहल्ले के कई लोगों को रेलवे से मुआवजा की करोड़ों रुपये राशि आने वाली है। इससे दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मामला ये है, आज सुबह पारा प्रतिदिन के भांति अशोक जी देवी स्थान के पुजारी मंदिर खोलने के लिए आए तो उस जगह एक चिट्ठी मिला, जिस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि भोला प्रसाद पार्षद छो रंजीत कुमार, ये दोनों के नाम से बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ थी एवं ये था कि 20,000 रुपया, 5 किलो मुर्गा और 5 बोतल दारू देवी स्थान के बगल में पोखर के पास एक गौशाला है वहाँ पहुँचा दो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। और पांच घर में पटेल नगर में आग लगा दिए हैं, जल चुका है। तो हमको लगा कि ये मामला जो है मामूली बात है। नहीं, घर में आग लगा है कि केवाड़ी में आग लगा है, केवाड़ में आग लगा दिए हैं जो लिखा हुआ है चिट्ठी में। तो हमको लगा कि लिख दिया है, बाद में एक कम कांड होगा। हम और भोला प्रसाद दोनों बैठ कर करके अभी इस पर बातें चीत कर रहे थे कि 10 बजे थाना जाएंगे, इसका कंप्लेन करना चाहिए। इतना ही बीच में पटेल नगर से एक सज्जन फोन किए कि देखिए ना, यहाँ गंदा गंदा स्लोगन लिखा हुआ है और एक केवाड़ी में आग लगाया हुआ है। उसके बाद वहाँ से हम आए तो पता हुआ कि 112 से थाना से आए थे। उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना प्रभारी को हम लोग आवेदन दिए हैं। क्या लगता है ऐसा किस मंशा से किया गया है? ऐसा इस मंशा से किया गया है कि हमको लगता है कि ये दारू बेचने वाला है, उसको कुछ बाधा हुआ है जिसके चलते इस तरह का कांड हुआ है। तो इस मोहल्ले में दारू बेचने वाले की सक्रियता बढ़ी है क्या? जी हाँ, दारू बिकने वाले को सक्रियता बढ़ी है। बताइए सर, क्या हुआ है? वही दीवार पर लिख दिया है सब कि 10,000 रुपया दो, दारू दो, मुर्गा दो। ये सब हम लोग को सूचना मिला तो हम यहाँ पहुँचे, सब देखे। क्या लगता है ऐसा क्यों लिखा गया? यहाँ रेलवे का भी पैसा लोगों को आने वाला है, मुआवजा मोटी राशि आने वाली है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोई माफिया गैंग करके गिरोह लिखा है। हाँ, लिखा तो है। कोई गिरोह की सक्रियता है, डराने की कोशिश है, क्या लगता है? डराने की ही कोशिश है, सक्रियता तो नहीं है, डराने की कोशिश। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी, कैसे करेगी? अब हम लोग इसका जांच कर रहे हैं, छानबीन होगा, पकड़ा जाएगा। सूचना कब मिला था आप लोगों को? हमको तो सूचना मिला करीब 8:30 बजे। तो कुछ घर के दरवाजा में भी आग लगाने का कोशिश किया है, लगा है। कई मोहल्ला में, कई घरों में भी कुछ लिख दिया है, गंदा गंदा बात लिख दिया है, बहुत घरों पर लिखा हुआ है, मंदिर पर भी लिखा है। आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। वरीय अधिकारियों को सूचना दिए हैं क्या? हाँ, दिया गया। क्या नाम है सर? उमेश कुमार सिंह, एसआई।